हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं एक भाई ने अपलोड किया है और इस वीडियो पे मिलियंस में लाइक आ चुके हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में आप सीखेंगे स्काई का कलर कैसे चेंज करना है। वीडियो के लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्लो मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस वीडियो में आपको स्लो मोशन कैसे ऐड करना है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना होगा, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं भी वीडियो शूट करेंगे तो आपके वीडियो में कुछ स्काई इस तरह से दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के वीडियो एडिट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन से विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर एप्लीकेशन कोड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आप अपना वीडियो 15 से 16 सेकेंड तक वीडियो शूट करना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। लेफ्ट साइड का पार्ट यदि एक्स्ट्रा है तो कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको वीडियो को प्ले कर देखना है। वीडियो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को मैं एक बार प्ले कर दिखाता हूँ। वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। लास्ट पोजीशन में देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ चलने के स्टार्ट किया और यहाँ तक जैसे हम चलते हैं इस पोजीशन में आना है। इसके बाद यहाँ पर हमें स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सेकेंड वाले पार्ट के लेयर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्पीड कंट्रोल पर आना है, 0.5 कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो जो लास्ट का वीडियो जो हमारा स्लो मोशन में हो जाएगा। फाइनली मैं आपको प्ले करता हूँ। अब देख सकते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नॉर्मल हो गया, सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा स्लो मोशन में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या, जैसे कि सेकेंड पार्ट का वीडियो जो स्टार्ट होता है उस पोजीशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को फुल स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। नीचे की तरफ आना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, सिंपल आपको यहाँ ओवरले पे क्लिक करना है, मल्टी पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 1x1 करके एडजस्ट करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ड्रेकन, तो आप इसे भी सेलेक्ट कर लेना, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो इसके बाद इसे हम कुछ ऑपेसिटी के कम बेस भी कर सकते हैं। इसको लास्ट पॉइंट में आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। अब वीडियो हम प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो जैसे कि देख रहे हैं, जहाँ से हमारा स्लो मोशन होना स्टार्ट होगा तो वहाँ से हमारा कलर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। हमारा वीडियो फाइनली एडिट हो भी चुका है। इसके बाद इस वीडियो में मेरे को साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपका वीडियो 15 से 16 सेकेंड तक होना चाहिए। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आइडियो होगा आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं साउंड भी ऐड हो चुका है, ये वीडियो फिलहाल में ट्रेंडिंग में आए हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।